नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। हम ऐसे शख्सियत के साथ आज इस वक्त मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम जी। हम इनसे सीधी बात करेंगे। मोहम्मद सलीम जी, आपका स्वागत है पहले स्टार सिटी न्यूज़ में। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपका जो समाज सेवा का जो सफ़र है, लगभग कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है? देखिए, समाज सेवा का सफ़र तो मेरा ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आने का जो पीरियड है वो मेरा लगभग में भी कोई 1.5 साल हो गया मुझे आने। हाँ जी, मुझे इसमें आने का मौका मिला वो लगभग 1.5 साल के करीब। क्या क्या सेवा चल रही है आपके सलीम साहब? सर, सेवा तो बताना तो मैं अच्छा नहीं समझूंगा। जो कर गुजरे हैं उसके बारे में तो कुछ नहीं, जो करना चाहता हूं उसके बारे में पूछिए कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो आगे क्या प्लानिंग है सर आपकी, हम वो जानना चाहते हैं। सर, प्लानिंग तो मेरी ऐसी है कि मैं घर घर जाकर लोगों के हित काम आऊँ, और अभी शायद वो मौका नहीं आया है, और बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं हर इंसान के काम आऊँ। तो सर, आप एक समाज सेवक हैं, समाज सेवा के साथ साथ आप जो राजनीति में जुड़े हैं, इसका कारण जान लेते हैं, क्या कारण है? सर, मैं एक बिजनेस चला रहा था और चला रहा हूँ जी। होटल भी मेरे रहे हैं, उसमें कुछ समय पहले 8 साल पहले उसमें आग लगा दी गई थी। तो उस वक्त मैं परेशानी में आया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं थी। तो राजनीति में आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि जब जिसकी सुनवाई नहीं हो रही तो सुनवाई हो। तो मसला सिर्फ ये है कि गरीबों को इंसाफ मिले, न्याय मिले, मुझे भी मिले और उन्हें भी मिले। तो आप बात कर रहे हैं गरीब की, अभी ये कृषि बिल जो सर लागू होने जा रहा है, क्या आप इसके समर्थन में हैं आप? सर, मैं किसानों के साथ हूँ, उनके हित में हूँ और उनकी मांगों को पूरा करा जाए, यही चाहूँगा। माननीय मोदी सरकार से मेरी यही अपील है, गुजारिश है कि उनकी सुनवाई हो। सर, आपसे बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना काल में आपकी क्या सेवा रही? मतलब जो भी मैं करना चाहता था वो सिर्फ उसके और मेरे बीच की बात है। कोशिश करी, मेरा दिल रोया, मैं सड़क पर था। अगर किसी को पानी पिला सका तो मेरा सौभाग्य, किसी को खाना दे सका तो मेरा सौभाग्य। बताना अपने कर्मों को ख़त्म करना है, सो मैंने कर भी कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, लेकिन मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो सर काफ़ी आपके साथ ट्रेजी एक बीती थी, जैसे कि 8 साल के अंदर मेरे लिए ये एक सपना हो गया कि मैं जिंदा हूँ, अदरवाइज़ तो आज मैं नहीं होता। अपनी हिम्मत के बल पर मैं चल रहा हूँ, और सुनवाई कहीं नहीं है। सिस्टम में देख लिया कि सिस्टम कानून को अंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कानून अंधा नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो सही नहीं है, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जिन लोगों से मेरी लड़ाई है वो एक माफिया ग्रुप है, एक बिल्डर, जो दिल्ली में आपने नाम सुना होगा कि बिल्डरों के बारे में जब एक बुराई आई थी तो ये वही बिल्डर हैं जी। ये वही लोग हैं, ये वही नेता हैं, राजनेता हैं। तो फिर गरीब को इंसाफ नहीं मिलेगा जी सर, क्योंकि इनकी सुनवाई कहीं और हद से ज़्यादा बड़ी ऊपर तक है। तो हमें इन लोगों को सबक सिखाना हमारा मकसद है। अगर आप हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं तो हैं जी सर, लेकिन एक इंसान तो है ना, इंसानियत के नाते। ठीक है, आप जज बनना चाह रहे हैं, आप जज की अपील पर हैं, अगले साल आप जज बनना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को परेशान करके, लोगों को मारकर, उनके यहाँ चोरी करकर, उनको सताकर, उनके साथ जातिवाद करकर क्यों फिर आप जज कैसे बनेंगे जी सर? आप में तो न्याय का है ही नहीं, आपका कहीं तंत्र कि आप न्याय कैसे दोगे लोगों को, जब आप खुद ही सड़कों पर उतर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप कहाँ हैं इसके लायक? मैं तो आपके खिलाफ इसलिए आया हूँ ना कि आप सबूत दे रहे हैं, मेरे घर पर आके चढ़ाई कर रहे हैं। किसने आपको, मतलब आपको किसने इजाज़त दी थी ये बताएं, कौन सी कोर्ट ने आपको इजाज़त दी थी, या कौन से आपको समाज ने इजाज़त दी थी कि आप मेरे घर पर आके गुंडागर्दी करें? मैं 8 साल से 20 करोड़ की जगह में, मुझे पहले जिंदा जलाने की कोशिश करी थी उस जगह के लालच में, और 8 साल के बाद फिर अभी 20 करोड़ की जगह में फिर मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रही है। वो तो वक्त के रहते मैं वहाँ से बच गया, अब कैसे बचूँ? तो माननीय मंत्री जी से मैं मिला, वो मेरे लिए पार्टी के हित में एक अच्छा उन्होंने मुझे बताया था, सो मैं इस कदम को लेकर चल रहा हूँ। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से ये हैं, और अठावले जी की, हाँ जी, वहाँ पार्टी में दम भरते हैं, ऐसा नहीं, वहाँ उनकी सुनवाई एक तरह से कहा हो तो वो किंग है वहाँ की। दिल्ली में थोड़ा सा इस पार्टी को लोग नहीं जानते, और मैं चाहता हूँ कि हर नाम जो है ना, हर आदमी के दिल पर इसका नाम हो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है क्या। मैं अठावले जी की इस पार्टी को, मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ कि बहुत जल्दी दिल्ली के हर घर हर दिल में ये नाम उतर जाएगा। आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर ना आप इस नाम को बड़ी तेज़ी से बखूबी सुनेंगे। क्या लगता है सर, इसका वजूद रहेगा दिल्ली में? बिल्कुल रहेगा सर। अगर सेंट्रल दिल्ली के अंदर, मैं करोल बाग में हूँ, अगर सेंट्रल दिल्ली में उन्होंने मुझे चुना है तो नेचुरल है, लाखों आदमी मुझे जानता है, किसी ना किसी कर्म के बारे में जानता है। हो सकता है मेरे कर्म को सिर्फ वो जानता है या मैं जानता हूँ, किसी को बुरे लगते हूँ फिर भी लोग मुझे जानते हैं। अब उन लोगों से जाके पूछें कि मेरे कर्म कैसे हैं, मैं किस तरह से हूँ, किस तरह से वो मुझे जानते हैं,
मैंने मेहनत की है, एक अच्छा बिजनेस चलाया है, समाज सेवा की है, जिसकी वजह से लोग मुझे जानते हैं। दिल्ली दरबार एक नॉर्मल नहीं है सलीम, दिल्ली दरबार वर्ल्ड में फेमस है इसका नाम, दिल्ली दरबार जी, दिल्ली दरबार नहीं, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, जिसको लाइव टीवी द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 26 दिसंबर 2013 को जिसमें आग लगा दी गई थी लाइव टीवी में आया था। ज़रा उसकी हिस्ट्री को जाने कि आज तक उस पर सुनवाई क्यों नहीं, 35 आदमियों को जिंदा जलाना जी, मुझे और मेरे परिवार को उसके अंदर जिंदा जलाना, और उसके बाद मैं खुद भी निकला, उन लोगों को निकाला, और 13 गैस सिलेंडर मैंने निकाले, जबकि दोनों करोल बाग के थाने बराबर में थे। यदि मैंने ऐसा ना किया होता तो हादसा इतना बड़ा था कि आधा करोल बाग इसकी लपट में आ जाता, बिल्कुल आ जाता सर, एक बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही, कानून सुन नहीं रहा, पुलिस सुन ही नहीं रही। मैंने कोर्ट में केस 2016 में दायर किया था, अभी तक तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। अब उसको रोकना चाहते हैं, उस जगह को सेल आउट करना चाहते हैं, मैं जिन जगह पर हूँ उन जगह को छीन रहे हैं, जिस घर में हूँ, अभी मेरी डील हुई थी 2016 से, मैं इस जगह पर हूँ जहाँ आज मैं बैठा हूँ, इस जगह से भी मुझे 1 किलोमीटर उस जगह से दूर हूँ, फिर भी मुझे भगाया जा रहा है। 2.25 करोड़ का मेरे साथ डीलिंग हुई किसी चीज़ की, मकान बैंक को मॉर्गेज कर दिया उन्होंने, जगह को 18 करोड़ रुपये ले लिया इन बिल्डरों ने, और दुकान इन्होंने छीन ली, मैं घर से बेघर हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, फिर भी लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। तो सर सुनवाई हो, मकसद है सिर्फ सुनवाई का, मकसद है गुनाहगार को जेल तक पहुँचाने का, और ये काम बंद हो जाए, ऐसा गुनाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इनको जेल हो, और दूसरे आदमी ऐसी हिम्मत ना कर पाए। सो मैं चाहूँगा कि अगर मुझे इंसाफ मिले तो मैं लोगों के हित में और आगे बढ़ूँगा, घर घर जाके सेवा करूँगा। धन्यवाद सर आपको।